हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड वेलकम टू ऑरा। आज की रीडिंग्स रिगार्डिंग विर्गो राशि वालों के लिए 2020 फरवरी कैसा रहने वाला है। सो आइए देखते हैं क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए, कैसा रहने वाला है आपका 2020 फरवरी। सो जो कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं दैट आर द आउटसाइडर, ट्रेवलिंग, मोरालिटी, रीबर्थ, द बर्डन, ट्रस्ट, द सोर्स, कॉम्प्रोमाइज, कंट्रोल, पॉसिबिलिटीज, intensity, guidance, isolation, courage, breakthrough and slowing down. So, इन सबसे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो जहां आपको लगता है कि इससे आगे कुछ अच्छा नहीं है। अब आपको ऐसा लगता है कि चीजें अब काफी हद तक बेकार हो चुकी हैं और कुछ भी ठीक होना शायद, पता नहीं कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। आपसे जो खुशियां थी वो बहुत दूर चली गई हैं, जो अच्छी चीजें थी जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे आपको लगता है वो आपसे काफी ज्यादा दूर चली गई हैं। कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि जो चीजें आप लाइफ में चाहते थे कि नहीं ये चीजें हमेशा मेरी लाइफ में रहें, हमेशा मेरे साथ टिकी रहें, हमेशा मेरा साथ दें, या फिर जो पर्सन जिस पर्सन को आप चाहते थे कि आपके साथ रहें, अब वो चीजें आपसे थोड़ा दूर हो गई हैं और अब आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है एक ऐसे दरवाजे में जिसके जिसके बाहर सब कुछ अच्छा है लेकिन अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। आप बहुत दूर से एक तरह से मतलब आप काफी इमेजिन करते रहते हो, आप काफी ओवरथिंकिंग करते हो उन चीजों के बारे में, उन चीजों को सोच सोच कर कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता तो चीजें काफी अच्छी होती, लाइफ मेरी और अच्छी होती, मैं खुश होता या मैं खुश होती, काफी ज्यादा आप सोचते हो इन चीजों के बारे में। लेकिन हमें दिखाई देता है कि ये थिंकिंग आपकी है कि चीजें अब सुधर नहीं सकती। चीजें डेफिनेटली सुधर सकती हैं लेकिन आप अपना नजरिया थोड़ा सा चेंज करें। अगर आप थोड़ा नजरिया चेंज करोगे, अगर आप अपने आप को इतना नेगेटिव लेकर जाओगे ना तो चीजें सुधर कर भी नहीं सुधरेंगी। जरूरी ये है कि आप थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव करें। ट्रैवलिंग का कार्ड आया जो कि हमें बताता है कि आपके लिए ना अब चीजें काफी टिपिकल होती जा रही हैं, काफी मुश्किलें आपके सामने अब खड़ी हो रही हैं, काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है अब आपको इस जर्नी में, जिस जर्नी में आप इस टाइम हैं इसको क्लियर करने में, इस पाथ पर चलने में लाइफ के आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि अब मतलब आप काफी परेशान भी हो इन बातों को लेकर और आपको लगता है कि अब मैं बंध चुकी हूँ, मेरा जो दिल है बंध चुकी हूँ या बन चुका हूँ, मेरा जो दिल है वो कहीं ना कहीं अब बन चुका है, अब मैं कहीं और इसको नहीं लगा सकती या नहीं लगा सकता, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही था और अब कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ चुकी हैं तो अब मैं और कहीं अपना माइंड या फिर अपना हार्ट जो है वो डाइवर्ट नहीं कर सकती या कर सकता। परेशान हो आप काफी ज्यादा और बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है आपको इस टाइम चीजों को सही करने में, लेकिन हमें दिखाई देता है कि चीजें काफी टाइम से जो बेकार थी अब कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव मोड आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो ये नहीं होता एक्चुअली, जब मैं बोलती हूँ कि पॉजिटिव मोड आएगा तो जरूरी नहीं है कि उसी पर्सन के साथ या उसी बिजनेस में उसी जॉब में आपके साथ चीजें अच्छी होंगी। आपके लिए अच्छा वो होगा जो एक्चुअली आपको एक उस सिचुएशन से निकाल कर एक अच्छे सिचुएशन में लेकर जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार उन्हीं चीजों में चीजें ठीक होती रहें। काफी बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज खराब होती है हमारे लिए तो वो लाइफ से हटनी ही होती है। तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं वो मेरी लाइफ में वापस, वो चीजें नहीं हो रही, वो पर्सन नहीं आ रहा, तो लाइफ हेल है, ऐसा नहीं है। आपके लिए जो ठीक है वही होगा और अगर आप पॉजिटिव अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें, पॉजिटिव वाइब्स रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, तो आपको दिखाई देगा कि कुछ चीजें ठीक नहीं थी लाइफ में। ठीक है, हमें सब कुछ नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें सिर्फ वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई आपको छोड़कर चला गया, कोई फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो आपने उसको खोया है। एक्चुअली आपने उसको नहीं खोया, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ट्रुथ हो अपने आप में, उस पर्सन ने आपको खोया है जो आपको खोकर गया है, आपने नहीं खोया, उस पर्सन ने आपको खोया, बिकॉज आप तो एक तरह से ट्रू हो अपने आप में, आपके अंदर तो किसी टाइप का कोई छल कपट लालच नहीं था, तो आप ये मत सोचो कि उसने मुझे छोड़ा, एक्चुअली उसने एक ऐसी चीज छोड़ी है जो कि वो डिजर्व नहीं करता या नहीं करती। ओके, बर्डन थोड़ा दिखाई देता है आपके ऊपर चीजों का, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, ये किसी और चीज को लेकर हो सकता है, बर्डन दिखाई देता है जो कि आप अब झेल नहीं पा रहे, तो अब आप ट्रस्ट करके एक डिसीजन लोगे अपने लिए।
अब आप ट्रस्ट करके एक डिसीजन लोगे और अपने लिए खुद सोर्स बनोगे कि जो आपको जो करना है ना आपको ही करना है, आपको ही खुद के लिए स्टेप उठाना है। सामने वाला कोई भी पर्सन आके आपके लिए स्टेप नहीं उठाएगा, आपके लिए आपको खुद ही स्टेप उठाना है। तो आप अंदर एक ऐसी थिंकिंग लाओगे और कहीं ना कहीं थोड़े पॉजिटिव होने की कोशिश करोगे और आप होगे भी। अब आपको पता चलेगा कि चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज के बेस पर चल रही है। आप ये भी सोचोगे कि चलो ठीक है चला लेते हैं, लेकिन आखिर कब तक आप ऐसा करोगे, कब तक आप चीजों को अपने हाथ में लेकर जबरदस्ती रिश्तों को चलाओगे। जबरदस्ती के रिश्ते काफी टाइम आगे तक नहीं चलते। अगर हम किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाते हैं, अगर हम खुद लाते हैं किसी को अपनी लाइफ में, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा तक टिके। कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, कुछ यूनिवर्स हमें देता है, हमारे लिए वो चीजें होती हैं। सो अगर आप चाह अगर कोई जाना चाह रहा है जिंदगी से तो उसको जाने दो। अगर आप परेशान हो तो भी उसको जाने दो, बिकॉज आपको परेशान नहीं होना है। चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो थोड़ा मेरे हिसाब से चले, बहुत सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस वजह से परेशान हो रहे हो और दिमाग काम ही करना बंद कर देता है कभी कभी, तो नहीं काम करता। क्या लेना था, अरे रूम में आई थी, क्या लेना था, अरे किचन में गई थी, क्या करना था। तो इस टाइप से बहुत चल रहा है आजकल, काफी ज्यादा मतलब दिमाग उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसा एक्चुअली करना चाहिए। पॉसिबिलिटीज हैं कि टाइम आपके लिए ऐसा है कि आप काफी अच्छी तरह संभल जाएं, काफी अच्छी तरह चीजों को संभल जाएं, चीजों में संभल जाएं और खुद को खुद के लिए सोर्स बने, सपोर्ट बने। और एक अब आप एक ऐसी पॉजिटिविटी की तरफ जाएं जहां सब कुछ सिर्फ अच्छा है, ये नेगेटिविटी छोड़कर। जरूरी ये है कि आपको एक सही गाइडेंस मिले। वो गाइडेंस आपके फ्रेंड्स की या फिर और ऐसे रिलेशनशिप्स की ना ही हो तो बेहतर रहेगा, बिकॉज कुछ गाइडेंस हमें अपने बड़ों से लेनी चाहिए। हमें काफी बार ऐसा होता है कि अगर आपके ही लेवल का कोई पर्सन है, आपके ही एज का कोई पर्सन है, तो वो आपको आपके ही एज की बात जो है वो आप तक दे पाएगा, ठीक है, वो आपको एक सही सलाह नहीं दे पाएगा, बिकॉज जो आप सोचते हो कहीं ना कहीं हर किसी का नहीं लेकिन काफी हद तक वो पर्सन भी वही ना उसी लेवल तक सोच पाता है, उसकी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाती है। लेकिन जो एक कोई बड़ा पर्सन होता है, हमसे काफी बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या फिर बड़ी सिस्टर होती हैं, बड़े भैया होते हैं, सो कहीं ना उनकी थिंकिंग में और हमारी थिंकिंग में बहुत फर्क होता है, उन्हें एक्सपीरियंस होता है चीजों का। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों की गाइडेंस लें, ऐसे पर्सन की गाइडेंस लें जो आपको लगता हो कि आपको सही गाइडेंस देंगे। ये नहीं कि अगर आपको डांटेंगे भी तो इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। हमें सही पाथ पर चलना है तो सही पाथ पर कांटे भी होते हैं, हमें उन पर भी पैर रखना होता है। तो जरूरी ये है कि आप सही पाथ चुनें, इजी पाथ को चुनकर आगे जाकर लाइफ खराब ना करें। ये गाइडेंस एंजल्स की भी हो सकती है और अपने गुरुओं की या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनके लिए मेडिटेशन करना, उनके उनका नाम लेकर मेडिटेशन करना। सो ये चीज हमें काफी क्लैरिटी देती है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं जहां फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ यहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता डेफिनेटली है, लेकिन बहुत हम कहेंगे कि आप नेगेटिव हो रहे हो तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। थोड़ा पॉजिटिव रहो, करेज लगाओ, थोड़ा सा करेज रखो अपने अंदर, डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जरूरी ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। जो भी आपके लिए एक बैरियर बनी हुई है ना चीज, उसको कहीं ना कहीं आप ब्रेक कर दो, जरूरी है ये, बिकॉज आप परेशान हो रहे हो काफी लंबे टाइम से। तो जरूरी ये है कि अब आप उस बैरियर को तोड़ो, और जब आप ऐसा पूरी तरह कर दोगे ना, जब आप इस जो भी ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है, आप परेशान हो, जब आप इसको पूरी तरह से लाइफ से निकाल दोगे, तो आप खुद भी देखोगे कि हाँ अब मैं बहुत बेटर हूँ, अब मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अब बर्डन नहीं है मेरे माइंड पर या मुझ पर किसी भी तरह का। और हमें दिखाई देता है ये जो आपके सामने बैरियर है, एक ये जो दीवार बनकर एक बैरियर खड़ी है खड़ी है और आपको परेशान कर रही है, जब आप इसको तोड़ दोगे ना, जब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, तो चीजें डेफिनेटली धीरे धीरे आगे चलकर बहुत अच्छी होंगी, आई प्रॉमिस बहुत अच्छी होंगी। लेकिन जरूरी है कि आप इस बैरियर को तोड़े। दीज वर द कार्ड्स फॉर यू गाइज, ऑल द बेस्ट। आई होप आपका पूरा साल बहुत बहुत अच्छा रहे, महीना ही नहीं पूरा पूरा साल अच्छा रहे। मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ, अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके बाय,
टेक केयर, सी यू सून.